हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी नाइस मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक के बारे में। टॉपिक है हमारा नोट मेकिंग। जी हाँ, नोट मेकिंग जो CBSE के स्टूडेंट क्लास 11th और 12th क्लास के स्टूडेंट के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है, जो यदि देखा जाए तो राइटिंग में बहुत ही आसान होता है और राइटिंग के सेक्शन का सबसे अधिक क्वेश्चन का टॉपिक यही होता है। तो चलिए फटाफट बिना देर के हम लोग समझ लेते हैं आज के इस इम्पॉर्टेंट टॉपिक को। जैसा आप लोग जानते हैं कि आज हम आपको बताने वाले हैं नोट मेकिंग के बारे में। ठीक है स्टूडेंट, तो नोट मेकिंग जो होता है ये किस तरह से, इसका सबसे पहले समझ लेते हैं फॉर्मेट। ठीक है, फॉर्मेट काफ़ी मायने रखता है एग्ज़ाम में किसी भी राइटिंग का, तो फॉर्मेट पर आप अधिक ध्यान दें। ठीक है, और अच्छी तरह से समझ लें इसको, फॉर्मेट ऑफ नोट। ठीक है, फॉर्मेट ऑफ नोट क्या होता है, कैसे बनाते हैं आप इसको समझ लीजिए। ठीक है, देखिए इसमें बहुत सिंपल होता है। अपने बाएं साइड से पेज पर क्या करना है आपको, सबसे पहले टाइटल लिख लेना है। टाइटल का मतलब क्या होता है, शीर्षक, यानी कि अकॉर्डिंग टू द पैसेज जो आपको दिया गया है उस पैसेज के थ्रू आपको नोट बनाना है। तो उस पैसेज को क्या करते हैं, हम अच्छी तरह से पढ़ लेते हैं और क्या इसका मेन टॉप हेडिंग हो सकता है, उस हेडिंग को क्रिएट करके 3 से 4 शब्दों में, ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, 3 वर्ड्स या 4 वर्ड्स में आप लिख लो। ठीक है, ब्लॉक या कैपिटल लेटर में किसी में लिख सकते हो। लिखने के बाद इसको क्या करेंगे, जी हाँ बिल्कुल, आप जानते हैं, आप पढ़े भी हैं पहले, तो अच्छी तरह से कि किसी भी राइटिंग की जो हेडिंग या टाइटल्स होती हैं उनको अंडरलाइन करना होता है। ठीक है, हो गया। अब इसके नीचे यहाँ पे आपको क्या करना होता है, नोट। ठीक है, यहाँ पे नोट लिख लेते हैं। ठीक है, नोट लिखने के बाद आप नीचे हेडिंग्स लिखना शुरू करते हैं। हेडिंग्स किस तरह से लिखेंगे, जैसा स्टूडेंट आप जानते हो कि हेडिंग्स इसमें 3 होते हैं। एक होता है आपका सब मेन हेडिंग, सब हेडिंग, और तीसरा होता है सब हेडिंग। तो देखिए, जो मेन हेडिंग को यदि आपको शो करना है, लिखना है, तो इसको आप नंबरिकल, ठीक है, लिख सकते हैं, यानी 1, 2, 3, 4, 5, जैसे मैंने लिखा है A1। ठीक है, मेन हेडिंग के लिए 1, 2 इस तरह के नंबर का यूज कर सकते हैं। और यदि आप सब हेडिंग लिख रहे हो तो सब हेडिंग के लिए क्या करना है आपको, सब हेडिंग के लिए आप, ठीक है, लेटर्स का यूज़ कर लो, अल्फ़ाबेट्स का, A, B, C ऐसे करके स्मॉल लेटर में अच्छा लगता है और ज़रूरी है। दूसरी चीज़ जो आप सब हेडिंग लिख रहे हो तो सब हेडिंग को शो करने के लिए आप रोमन नंबर का यूज कर लो। ठीक है, और इनके जो फॉर्मेट होते हैं कैसे होते हैं, मैं यहाँ पे आपको फॉर्मेट बना देता हूँ जिससे आपको समझ में आसानी से आ जाए। टाइटल हो गया, नोट हो गया, अब यहाँ पे आप लिख रहे हो मेन हेडिंग, तो आपने ऐसे लिख लिया। ठीक है, मेन हेडिंग आपने यहाँ पे अकॉर्डिंग टू पैसेज बना लिया। ठीक है, मेन हेडिंग यहाँ पर, तो आपका क्या हो गया, यहाँ पर मेन हेडिंग पूरा हो गया। ठीक है, मेन हेडिंग हो गया। अब मेन हेडिंग जब आपने लिख लिया ना, तो थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे जगह छोड़ दो, जैसे यहाँ से थोड़ी सी, मतलब गैप छोड़ के यहाँ से। अब आपको जब सब हेडिंग लिखनी है तो यहाँ से शुरू करो, आपने A, B, C मतलब जो लिख रहे हैं, जैसे फर्स्ट लिख रहे हैं तो 1 हो गया, सेकंड जब मेन हेडिंग लिखेंगे तो 2 लिखेंगे, थर्ड लिखेंगे तो 3 लिखेंगे। ठीक है, इसी तरह से इसे भी आपको नंबर देना है A, फिर अगर दूसरा लिख रहे हैं तो B, तीसरा C, ऐसे करके। ठीक है, तो सब हेडिंग लिख रहे हो तो यहाँ पर आप A लिख लिए, थोड़ा सा यहाँ छोड़कर। ठीक है, यहाँ पर आपका हो गया सब हेडिंग आपने लिख ली। अब अगर सब हेडिंग के अंदर आपको कुछ और हेडिंग्स डालने हैं, तो अब इसके नीचे थोड़ा सा गैप छोड़ के यहाँ पे आपका क्या आएगा, रोमन नंबर में लिख सकते हैं। ठीक है, सब हेडिंग क्या आ जाएगा, यहाँ पे आपका सब हेडिंग हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात समझ गए आप, इस तरह से इसकी जो फॉर्मेट होती है। यदि आपको और कोई सब हेडिंग लिखना है तो रोमन नंबर में ही 1 लिखे हैं, 2 लिख लिए आप, और यहाँ पर भी जो अकॉर्डिंग टू पैसेज जो आपका, ठीक है, सब हेडिंग बन रहा है उसे आप लिख लो। अगर कोई और आपको यहाँ पे मिल गया सब हेडिंग, तो यहाँ पे क्या लिख लेंगे, B लिख करके उसको लिखेंगे। ठीक है, और उसका अगर सब हेडिंग है तो ऐसा लिख लेंगे।
ठीक है, तो ये फॉर्मेट होता है जैसे मैंने एक बना के दिखाया। अब अगर मेन हेडिंग और लिखना है आपको तो क्या करेंगे कि जो ये आप एकदम स्ट्रेट इसके ही नीचे एकदम स्ट्रेट होना चाहिए, और यहाँ पे क्या लिखेंगे टू, ठीक है टू हो गया। अब यहाँ पे आपने क्या कर लिया, जो मेन हेडिंग बन रहा है उस मेन हेडिंग को आपने यहाँ पे नोट कर लिया, मेन हेडिंग हो गया। अब आपको कोई सब हेडिंग मिल गया तो सब हेडिंग इसके स्ट्रेट में आप देख लोगे, इसका ए है ना, तो यहाँ पे सब हेडिंग हो गया, ठीक है इस तरह से, ओके है ना। तो सब हेडिंग लिखा आपने, लेकिन आपको लग रहा है कि यार इस मेन हेडिंग का एक और सब हेडिंग है, तो यहाँ पे आपने बी लिख लिया और फिर यहाँ पे भी सब हेडिंग लिख लिया। अब इस सब हेडिंग का आपको सब सब हेडिंग मिल रहा है, तो यहाँ पे देख रहे हो इसके स्ट्रेट में यहाँ से, ठीक है ए वन हो गया, यहाँ पे आपने क्या किया सब सब हेडिंग लिख लिया, ठीक है यहाँ पे सब सब हेडिंग हो गया, ठीक है सब सब हेडिंग आपने लिख लिया, और फिर ऐसे ही चलते जाएंगे, ठीक है सेकेंड हो गया सब सब हेडिंग हो गया। फिर आपको क्या करना है, मेन हेडिंग लिखना है, तो यहाँ पे टू देख रहे हैं इसके स्ट्रेट में, यहाँ से थ्री लिख के ऐसे लिखते जाएंगे, ठीक है। तो फॉर्मेट आपको समझ में आ गया कि जो हेडिंग बनाएंगे वो किस तरह से बनाएंगे। अब दूसरी बात ये है कि अब सब हेडिंग में क्या चीज़ ध्यान रखेंगे। देखिए सब हेडिंग में एक इम्पॉर्टेंट बात होती है जिसे आपको फॉलो करना होता है। पहली चीज़ कि जो सब हेडिंग होती हैं इनमें आपको सेंटेंस नहीं बनाना होता है, ठीक है। इसमें हेडिंग का मतलब समझते हैं आप कि हेडिंग आप दो चार वर्ड में, तीन थ्री वर्ड्स, टू वर्ड्स, थ्री वर्ड्स, फोर वर्ड्स, अब इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है दो तीन चार वर्ड में मैक्सिमम बनाना होता है, ठीक है, जो आपके पैसेज पे डिपेंड करता है। चलिए इसमें और कुछ बातें बताते हैं हम आपको, ठीक है। हेडिंग का मतलब क्या है कि हेडिंग का मतलब कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है कि हेडिंग में जो भी वर्ड्स आते हैं, ठीक है, आपको क्या करना है प्रत्येक वर्ड के पहले लेटर को कैपिटल लिखना होता है, जैसे मैंने यहाँ पे करके दिखाया आपको, ठीक है। तो सब हेडिंग आपको नहीं लिखना है, करने का मतलब है कि अकॉर्डिंग टू दी पैसेज आपको हेडिंग बनानी है, ठीक है ना, जो टॉपिक है उस पर निर्भर करेगा। अनदर चीज़ है कि मैंने तो दो करके दिखाया, अब ऐसे आपको क्या करना है कि जो क्वेश्चन होगा उसमें पैसेज को पढ़ करके कम से कम थ्री मीनिंग मेन हेडिंग्स होनी चाहिए, और उनके अंदर जितने आपको सब हेडिंग या सब सब हेडिंग मिलते हैं वो आप बना लो, ठीक है। आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि हेडिंग्स में आपके कंप्लीट सेंस नहीं आने चाहिए, आई मीन सेंटेंस नहीं बनाना है आपको, ठीक है ना, आई होप समझ गए। एक लास्ट चीज़ है इसके बारे में कि जो आप हेडिंग्स बनाते हो इसमें जो है आपको यूज करना जरूरी होता है, किस चीज़ों का इसमें यूज करो आप, क्या क्या यूज, एब्रीविएशन, जो वर्ड्स आप यूज करते हो, ठीक है, उन वर्ड्स के एब्रीविएशन यूज करो, ठीक है, उनके शॉर्ट फॉर्म, उनके जो शॉर्ट फॉर्म्स होते हैं वो भी यूज करो, ठीक है। जैसे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिनके शॉर्ट फॉर्म आप जानते होंगे, एब्रीविएशन कुछ वर्ड्स के आप बना सकते हो जो वर्ड्स आपके पैसेज में होंगे, और उनके आप सिंबल भी जानते होंगे, सिंबल्स कि उनको किस सिंबल के द्वारा, चिन्ह के द्वारा इंडिकेट किया जाता है, तो सिंबल्स फॉर शॉर्ट फॉर्म्स एब्रीविएशन, ठीक है। क्योंकि जब कंप्लीट हो जाता है आपका ये क्वेश्चन, आंसर इस क्वेश्चन का, तो आपको एक बॉक्स बनाना पड़ता है, उसका नाम है की टू वर्ड्स, ठीक है, उस बॉक्स में शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन या सिंबल्स को शो करना होता है, ठीक है। जैसे एब्रीविएशन की बात करें तो जैसे आप छोटी सी बात ले लो, आप किसी का नाम होता है, ठीक है, जैसे नाम है महेंद्र सिंह धोनी, तो आप शॉर्ट एब्रीविस्ट क्या करते हैं, एम एस धोनी लिखते हैं, एम एस, एम एस, ठीक है। अब उसी तरह से जैसे मास्टर ऑफ आर्ट ले लो, तो मास्टर ऑफ आर्ट का एब्रीविएशन क्या होता है, एम ए होता है, ठीक है। जैसे चीफ मिनिस्टर का सी एम होता है, प्राइम मिनिस्टर का पी एम होता है, ये एब्रीविएशन वर्ड होता है। अब शॉर्ट फॉर्म ले लो, तो शॉर्ट फॉर्म आप जानते हो, जैसे इम्पॉर्टेंट का इम्प लिख देते हैं कुछ लोग, है ना, मैथमेटिक्स का मैथ लिख देते हैं, तो ये शॉर्ट फॉर्म्स के अंतर्गत आता है। सिंबल्स की बात ले लो, तो परसेंटेज होता है, जैसे परसेंटेज न लिख करके क्या करते हैं कुछ लोग, ऐसे बना देते हैं, क्वेश्चन न लिख करके कुछ लोग क्वेश्चन मार्क्स बना देते हैं, ठीक है। बड़ा छोटा मैथ में आपने पढ़ा होगा, ये सिंबल्स होते हैं, तो इन चीज़ों का वर्ड ना लिख करके उनकी जगह पे शॉर्ट फॉर्म एब्रीविएशन या सिंबल्स का यूज़ कर लो, ठीक है। तो इस तरह से आपके हेडिंग्स के जो प्रक्रियाएँ होती हैं वे पूरी हो जाती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़, दूसरे जो टॉपिक बचता है, दूसरा विषय बचता है जो आपको इसमें पूरा करना होता है, वे होता है समरी, ठीक है।
समरी बचता है। ठीक है, अब प्रश्न ये है कि यार ये समरी क्यों लिखना होता है, पैसेज तो लिखा रहता है। तो मैं आपको बता दूँ कि समरी का मतलब क्या होता है। देखिए, समरी मीन्स होता है टू समराइज और टू सम अप द पैसेज इन अ फ्यू वर्ड्स। व्हाट आई मीन, क्या मतलब है मेरा, मेरे कहने का तात्पर्य है कि आपको जो नोट बनाने के लिए दिया गया है पैसेज पढ़ना है। पैसेज आई होप कि 300 to 400 वर्ड्स के क्वेश्चन में आते हैं। तो वो पूरा पढ़ने के बाद आप क्या किए हो, आपने नोट बना लिया है सभी का। ठीक है, जो नोट बनाया है आपने, अब उस नोट के जरिए ही आपको मात्र कुछ वर्ड्स में, 80 वर्ड्स में क्वेश्चन में देखेंगे दिया रहेगा, ठीक है, कि जो आपको समरी लिखना है वो मैक्सिमम 80 वर्ड्स में लिखना है या 80 to 100 वर्ड्स में लिखना है। तो आपको जो 400 वर्ड के जो पैसेज होते हैं, अब उनको थोड़े से वर्ड में, ठीक है, यानी 80 to 100 वर्ड्स में मात्र उसे कंप्लीट करना है, पूरी कहाँ पूरी बात को रखनी है। तो कैसे रखेंगे, मैं आपको आइडिया बता दूं। देखिए, जो आपने हेडिंग्स बना ली हैं, हेडिंग्स ऊपर से आप जो फर्स्ट हेडिंग बनाए हो उसे आप 25 to 30 वर्ड्स में डिस्क्राइब कर दो, एक्सप्लेन कर दो। सेकेंड हेडिंग के जो बारे में आपने लिखा है उसे भी वैसे ही करो, 25 to 30। और थर्ड जो आपने बनाया उसे भी आप 25 to 30 वर्ड्स में, ठीक है, एक्सप्लेन कर दोगे तो आपका लगभग क्या हो जाएगा, लगभग आपका 80 to 100 वर्ड्स अप्रोच कर लेंगे, आप पूरा कर लेंगे। ठीक है, और जो हेडिंग्स बनाते हैं आप, हेडिंग्स में एक बात याद रखिएगा कि हेडिंग जो होता है वे हमेशा मैक्स मिनिमम 3 मेन हेडिंग्स, कम से कम 3 बनाना होता है। उनके अंतर्गत सब हेडिंग होते हैं, दो चार, ठीक है, और उससे अधिक ना बनाए। यदि आप अधिक बनाते हो या मान लो 4 भी बना दिए, चलो चलेगा, सही है, बट प्रॉब्लम यहाँ से आएगी कि आपका समय वेस्ट होगा, आपके पेजेस वेस्ट होंगे। तो मैक्स मतलब मिनिमम जो है वो हम कर लेंगे, ठीक है, हमें पूरा मार्क्स उसके लिए मिलेगा। अब नेक्स्ट चीज़ देखिए, समरी जब आपका 80 वर्ड्स में कंप्लीट हो जाता है, ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, समरी जब पूरा हो जाता है तो आप जो हेडिंग पूरा किया उसके साइड में, जैसे आपने हेडिंग लिखा है, मैंने बताया कि ऐसे हेडिंग लिखते हैं, ठीक है, जैसे आपका टाइटल नोट हो गया, हेडिंग हो गया, तो हेडिंग लिखने के बाद यहाँ पे जो देख रहे हो आप, स्पेस बचा है ना, तो ऐसे ही स्पेस जो बचा हुआ है वहाँ पे आप एक बॉक्स बना दो, ठीक है, ठीक है। आपने क्या किया, और यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया, ठीक है। तो जब बॉक्स बना लिया आपने, तो ऊपर से ऐसे थोड़े से एक छोटा सा बॉक्स बना दो, इसमें लिख दो की टू वर्ड्स हो गए, ओके। और फिर इसके जो मिड्स हैं, मिड से एक नीचे लाइन लेके आ जाओ, नीचे एकदम, और फिर इसको ऊपर से क्रॉस करके और दो छोटे छोटे बॉक्स बनाओ। एक में लिख लो एब्रीविएशन हो गया, दूसरे में लिख लो फुल फॉर्म्स, ठीक है। आप ऐसे बाहर ना निकले, आप वहाँ पे स्पेस देखिए उसके हिसाब से बनाएं, ठीक है। तो अब आपने जो एब्रीविएशन यूज़ किया है हेडिंग में, ठीक है, या शॉर्ट फॉर्म या सिंबल्स यूज़ किए हैं, उसको यहाँ पे लिखें, कम से कम 3 और मैक्सिमम 5, इससे ज़्यादा नहीं, ठीक है। मैक्सिमम 5 होना चाहिए और मिनिमम 3 होना चाहिए, चलिए 3 कर लेते हैं। तो अब जो 3 आपने एब्रीविएशन या जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया है हेडिंग्स में, उनका यूज़ करें। जैसे आपने परसेंटेज का यूज़ किया, तो ऐसे परसेंटेज बना के यहाँ पे फुल फॉर्म आप लिख दें परसेंटेज, ठीक है, यहाँ पे आपने परसेंटेज लिख लिया। अब इसी तरह से यहाँ पे आप देख लो, यहाँ पे सपोज कर लो आपने इम्प का यूज किया है, तो इसको यहाँ पे पूरा दिखा दो कि आपने इम्प क्यों लिखा है, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब इसी तरह से आपने MA लिखा है, जिसका फुल फॉर्म क्या होना चाहिए, मास्टर ऑफ आर्ट होना चाहिए। तो इस तरह से आप पूरा कर लो, सभी इम्पोर्टेंट है, स्टेप बाई स्टेप। मैंने जो 3 स्टेप होते हैं नोट मेकिंग के, जो 10 to 12 मार्क्स से आपके एग्जाम में आते हैं 11th and 12th में, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है गाइस। आप इसको ज़रूर अच्छी तरह से पढ़ लें और कुछ एक्सरसाइज कर लें, ताकि आपको अच्छी तरह से ये समझ में आ जाए, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वीडियो में इतना ही, जो प्रॉब्लम्स हो उसे आप पर्सनली मेरे नंबर पे व्हाट्सअप करके, कॉल करके आप पूछ सकते हो। अदरवाइज़ कुछ ही दिनों में आपको, ठीक है, नोट मेकिंग पे और भी वीडियोस मिल सकते हैं, लेकिन आपको वे वीडियोस स्टडी समिट, जो मेरा एक पर्सनल यूट्यूब चैनल है, ठीक है, इस पर आप पढ़ सकते हैं। और
आई होप कि आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ठीक है स्टूडेंट्स, सो आज के लिए बस इतना ही, सी यू सून।